हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फाइव बेस्ट थिंग अबाउट ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। तो ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के अंदर आपको पावर सबसे ज्यादा अच्छा मिलता है। ट्रांजिस्टर मतलब ही पावर। आईसी के साथ आप पावर का कंपैरिजन नहीं कर सकते। एम्पलीफायर में आप ट्रांजिस्टर मतलब यहाँ पे पावर का कोई कमी नहीं होगा, इसलिए ज्यादातर प्रोफेशनल जो 5000-10000 एम्पलीफायर होता है वाट का, तो उसके अंदर ट्रांजिस्टर आज भी यूज होता है और आगे भी यूज होता रहेगा, क्योंकि आईसी उतना पावरफुल आईसी इसके अंदर बिठाना काफी ज्यादा मुश्किल है। उसका थर्मल एरिया भी चाहिए, इसलिए यहाँ पे आप ट्रांजिस्टर को आईसी के साथ इस मामले में कंपेयर नहीं कर सकते। ट्रांजिस्टर इज मोर पावर देन आईसी। तो उसके बाद बारी आते है इसका ट्रांजिस्टर का साउंड क्वालिटी। वैसे आईसी का साउंड क्वालिटी भी अच्छा होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन ट्रांजिस्टर का क्या होता है, यहाँ पे अलग लेवल का साउंड आप क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे देखिए, एक तो हमारा आईसी के अंदर एक लिमिटेशन है, जो आपको भेजेगा, जो आपका मैन्युफैक्चर कर देगा वही आपको लगाना है, लेकिन ट्रांजिस्टर के अंदर ऐसा नहीं है। आपको जो चाहिए जैसा चाहिए आप बना लो। तो इसीलिए प्रोफेशनल के लिए जो ब्रांड बनाता है वो जैसा मर्जी वैसा ही बनाता है, उसका खास एक क्वालिटी होता है, और इसलिए यहाँ पे प्रोफेशनल के अंदर देखे होंगे एक ब्रांड ज्यादा चलता है, तो उसका कुछ खास बात है। उसको अगर आईसी से बनाते तो वही कॉपी दूसरे लोग कर लेते, तो ऐसा नहीं है। आईसी के अंदर आपको साउंड क्वालिटी, उसका बेस क्वालिटी, उसका लाउडनेस क्वालिटी सब कुछ हम यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद बारी होते है इसका रिपेयर इन लो कॉस्ट। तो लो कॉस्ट इसलिए क्योंकि आईसी के अंदर क्या होता है, आईसी का क्या खराब होता है, आईसी का मेन पोर्शन खराब होता है उसका आउटपुट स्टेज, क्योंकि इनपुट स्टेज में कुछ खराब होने के लिए होता ही नहीं है, आउटपुट स्टेज ही ज्यादातर खराब होता है, क्योंकि आउटपुट ही सबसे ज्यादा लोड होता है और आउटपुट से ही हमारा सबसे जो हीट है वो आती है। तो इसीलिए यहाँ पे आपका अगर आईसी किसी कारण उसका आउटपुट स्टेज खराब हो गया तो आपको पूरा आईसी चेंज करना होगा। अगर वो मोर पावरफुल है तो यहाँ पे आपको पूरा आईसी चेंज करना पड़ेगा, लेकिन तो अगर ये ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर हो तो यहाँ पे सिर्फ आपको आउटपुट स्टेज ही रिपेयर करना होगा, क्योंकि इसका इनपुट का उतना ज्यादा खराब होता ही नहीं, और यहाँ पे आपको इनपुट का जो कॉम्पोनेंट होता है वो काफी कम प्राइस पर मिलता है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ आउटपुट स्टेज रिपेयर करने से ही आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर उसके साथ इसका अगर कंपेयर करेंगे तो ट्रांजिस्टर वैसे खराब तो कम ही होता है, उसके बाद इसको लो कॉस्ट पर ही आप इसको रिपेयर कर सकते हो, वैसे खराब भी कम होता है। तो जैसा मैंने कहा कि ये कम खराब होता है ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, क्योंकि इसका पावर के हिसाब से इसका लोड कभी होता ही नहीं है। अगर आप 30-55 की बात करें तो आप देखोगे 30-55 आईसी बहुत ही कम खराब होता है, बहुत ही रेयर खराब होता है। अगर शॉर्ट सर्किट वगैरह हो गया तो तभी उस मेन ट्रांजिस्टर खराब होता है, अदर्स वाइज वो खराब नहीं होता, क्योंकि उसका आउटपुट होता है लगभग 40 से 50 वाट तक, लेकिन उसका अंदर ट्रांजिस्टर रहता है 100 वाट का। हाँ, यहाँ पे एफिशिएंसी मैटर करता है, लेकिन फिर भी उसका अंदर जो भी ट्रांसफर वगैरह है उसके मुकाबले ट्रांजिस्टर तो काफी पावरफुल है। तो इसलिए यहाँ पे आपको ट्रांजिस्टर के अंदर उतना ज्यादा खराब होने की चांसेस भी नहीं होता। प्रोफेशनल अंदर भी इसका जो आईसी और प्रोफेशनल के अंदर भी आपको ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर इसलिए मिलता है क्योंकि वो खराब कम होता है, और यहाँ पे आपको हीट भी यहाँ पे कम होता है, इसलिए यहाँ पे खराब भी कम होता है। तो उसके बाद इसका फ्लेक्सिबिलिटी। तो इसका फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, एक तो आप मन के मुताबिक इसका डिजाइन कर सकते हो, यहाँ पे आपका कोई लिमिटेशन नहीं है। आपका जितना वाट, जितना आपका पावर चाहिए, जैसा साउंड क्वालिटी चाहिए, जैसा आप बेस चाहते हो, ट्रेवल चाहते हो, आप कंट्रोल कर सकते हो, और यहाँ पे आपका वाट वो भी तो आप कंट्रोल कर सकते हो। इसका साउंड का गेन, साउंड का लाउडनेस, साउंड का नॉइस कंट्रोल, तो सब कुछ आप यहाँ पे आसानी से कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको काफी नॉलेज होना पड़ेगा। तो यहाँ पे काफी मतलब बहुत ही ज्यादा आपको नॉलेज होना पड़ेगा। मैं भी अभी इस तरीके का एम्पलीफायर नहीं बना सकता, मैं सिर्फ इंटरनेट वगैरह से ही देख के बना सकता हूँ। मेरे पास उतना नॉलेज नहीं है कि मैं एक अच्छा क्वालिटी का एम्पलीफायर खुद के दम पर बना लूं। तो यही कुछ बात है, अगर मेरा कुछ पॉइंट यहाँ पे मिस हो गया तो नीचे कमेंट पर जरूर बताना कि ये आपको ट्रांजिस्टर का अच्छा लगता है।
यहाँ पर वीडियो को खत्म करते हैं, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना, और आगे ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो आज के लिए इतना ही, बाय।